कृष्णा, आज मैं आपको अपना लेक्चर 9 में बताने जा रहा हूँ। लेक्चर 9 जो कि मेरे स्टूडेंट क्लासेस का लेक्चर है। इससे पहले मेरे 8 लेक्चर हो चुके हैं और उन लेक्चर्स में आपने अपनी लाइकिंग्स भी दी हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और मुझे बस मैं यही आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे इस तरीके से ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे। तो आज मैं आपको कुंडली के बारे भावों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कुंडली क्या होती है, कुंडली के कितने भाव होते हैं और उन भावों से हम क्या क्या चीज देख सकते हैं। शायद आपको यह अंदाजा हो कि कुंडली के बारह भावों में पूरी दुनिया ही समाई हुई है। कोई ऐसी चीज नहीं जो इन कुंडली के बारह भावों से हम नहीं देख सकते। तो मैं उसमें आपको वो क्या क्या देख सकते हैं, कैसे उनका रिलेशन कर सकते हैं, वो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताने जा रहा हूँ। हालांकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो सकती थी, लेकिन मैं उसको छोटा और शॉर्ट बना रहा हूँ और एक एग्जाम्पल देकर आपको दिखा रहा हूँ। उसी एग्जाम्पल को आप लगा के इम्प्लीमेंट करके आगे वाले आने भावों का भी आप बारे में पता लगा सकते हैं। तो कुंडली क्या होती है? कुंडली के बारे में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारा सूर्य चक्कर लगा रहा है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट राशियां हैं हमारी, ये डिफरेंट डिफरेंट राशियों में सूर्य होता है। तो हम क्या करते हैं कि ये इसका, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है। तो जब भी सूर्य के लगाने से ये जो राशियां हैं चेंज होती रहती हैं, 12 राशियां टोटल हमारी हैं। अभी वो मेष में है, फिर वृष में होगा, फिर मिथुन में होगा, फिर उससे आगे कर्क में चलेगा। तो ये राशियां इस तरीके से चेंज होती रहती है। तो बच्चे के जन्म के समय जो भी राशि पूर्व में उदित होती है, यानी ये ईस्ट साइड है, ईस्ट साइड में जो राशि उदित होगी वो राशि उसका बच्चे का लग्न कहलाती है। तो ये आपका, अगर यहाँ पे ये मेष राशि है, सपोज कीजिए ये मेष राशि है जिस समय बच्चे का जन्म हुआ, वो ईस्ट में मेष राशि उदय हो रही है, तो ये जो है बच्चे का लग्न कहलाएगी। तो इसलिए हमारी कुंडली है, क्योंकि 12 राशियों के भाव होते हैं, तो हमारी कुंडली के भी 12 ये भाव बना दिए जाते हैं इस तरीके से। इसके जैसे मैंने ये दिखाया आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये 12 भाव बना दिए जाते हैं। लेकिन इसमें किया जाता है कि इसमें डायरेक्शन को उल्टा कर देते हैं। जैसे ये ईस्ट इधर दिखाया था, अब ईस्ट इधर दिखाते हैं, वेस्ट इधर दिखाते हैं, ईस्ट साइड। और इसको जब ये डायरेक्शन आपका उल्टा हो गया तो ये वाले भी साइड आपकी चेंज हो जाएगी, ये डायरेक्शन भी आपकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ईस्ट आपका इधर गया, वेस्ट आपका नीचे आया, तो इधर नॉर्थ हो जाएगा और इधर साउथ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी कुंडली के 12 ये भाव किए जाते हैं और डायरेक्शन को इस तरह दिखाया जाता है। क्योंकि हमको लगन जो है पहले भाव में लिखना होता है, लगन को हम हमेशा पहले भाव में लिखते हैं, इसलिए हम ईस्ट साइड को ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि ईस्ट में प्रकट होने वाली राशि ही, ईस्ट में उदय होने वाली राशि ही बच्चे का लगन कहलाती है जन्म के समय। तो अब इसमें आप ये देखेंगे कि 12 इसके भाव में इसमें बनाए हुए हैं कुंडली के अंदर। तो कुंडली, कोई भी कुंडली किसी भी आप उठाएं तो उसके अंदर ये 12 भाव होते हैं। ये पहला भाव होता है, ये फिक्स होते हैं, भाव हमेशा फिक्स होते हैं। यहाँ नंबर कुछ भी हो सकता है, नंबर होता है डिपेंड करता है राशि के बेस पे कि आपका लग्न क्या है। सपोज कीजिए कि पूर्व में उस वक्त जब बच्चा पैदा हुआ मिथुन राशि उदित हो रही थी, तो उसका 3 नंबर लग्न हो गया, 3 नंबर राशि कहलाती है वो, तो लग्न 3 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 एंड सो ऑन चलता जाएगा। लेकिन भाव हमेशा फिक्स रहेंगे, ये भाव पहला भाव ये पहला ही रहेगा, दूसरा दूसरा रहेगा, तीसरा तीसरा रहेगा। जब भी हम बात करेंगे छठे भाव की तो ये 6 भाव होगा, जब भी हम भाव करेंगे फर्स्ट भाव की तो हमारा ये फर्स्ट भाव होगा। तो भाव हमेशा फिक्स रहते हैं। तो मैंने यहाँ केवल भाव दिखाए हैं और अभी मैंने इसमें लग्न वगैरह या राशियां वगैरह नहीं दिखाई हैं। ये नंबर जो देखा है इससे आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये भाव का नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5 और एंड सो ऑन, ये नंबर हमारे भाव के नंबर चले जा रहे हैं। तो जैसा हमको मालूम है कि पहले भाव से हम लोग देखते हैं कि सेल्फ के बारे में होता है, पहला भाव होता है सिर्फ अपने बारे में कि अपना कॉन्फिडेंस कैसा है, अपनी हेल्थ कैसी है, अपने फेम कैसा है, हम लोग, हमें लोग पसंद करते हैं नहीं करते हैं। दूसरा भाव होता है हमारे धन के लिए, पहला भाव स्वयं के लिए, दूसरा भाव स्वयं के धन के लिए, यानी कि धन कैसा है, परिवार कैसा है हमारा, हमारी बोलने की तरीका क्या है, वाणी कैसी है हमारी। तीसरा भाव होता है हमारे पराक्रम के लिए, निपुणता के लिए, डेक्सटिटी के लिए, कि हम कितने निपुण हैं, कितने हम पराक्रमी हैं, कितने करेजियस हैं अपनी चीजों में। और हमारे छोटे भाई बहन के लिए भी तीसरा भाव लगाया जाता है। चौथा भाव जो हमारा होता है, चौथा भाव होता है हमारे सुख के लिए, सुख बोला जाता है। तो पहला भाव स्वयं हुआ, दूसरा भाव स्वयं का धन हुआ, तीसरा भाव स्वयं का
पराक्रम हुआ, चौथा भाव स्वयं का सुख हुआ। उसमें सुख हम देखते हैं अपनी कि हम कैसे रह पाते हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, हमारे पास मकान कैसे हैं एंड सो। पांचवा भाव होता है हमारी एजुकेशन का, ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन का। तो पांचवा भाव हुआ हमारी एजुकेशन का, हमारी संतान के बारे में, हमारे लव फेयर के बारे में, हमारे पुराने बर्थ के बारे में, पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में। तो हमारा ये पांचवा भाव कवर करता है। छठा भाव जो होता है वो हमारा, क्योंकि ये सारी चीजें स्वयं से चल रही है, सर्व से चल रही है। छठा भाव होता है स्वयं के रोग के बारे में, स्वयं के ऋण के बारे में, स्वयं के शत्रुओं के बारे में, कोई लीगल मैटर्स हैं, या कंपटीशन के बारे में, या नौकरी के बारे में। सातवें भाव में आते हैं तो ये स्वयं का स्पाउस हो गया। अगर ये कुंडली किसी फीमेल की है तो यहाँ हस्बैंड आ जाएगा, और किसी मेल की है तो यहाँ वाइफ आ जाएगी। तो इस तरीके से ये स्पाउस का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है, डेली इनकम का होता है, ये इसके मोटे मोटे पार्ट्स हैं। इधर ये आठवां भाव होता है आपकी आयु दिखाता है, आयु कितनी है आपकी, और आपको कितने ऐसे कष्ट होने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सीवियर कष्ट है आपकी कुंडली में, आपके आने वाले भविष्य में, जिसको कि मृत्यु कारक कष्ट कहते हैं। या आप ऐसी कौन सी इन्वेंशन करना करेंगे अपने आने वाले समय में, या आपको ट्रेजर के बारे में, ये सब चीजें आठवें भाव से दिखाई पड़ती हैं। नाइन्थ भाव से हमारा लक कैसा रहेगा, हमारी लक राइजिंग एज क्या रहेगी, हमारा हम किस धर्म पे चलेंगे, कैसा हमारा रिलीजन रहेगा, या हमारा फॉरेन ट्रेवल्स कैसा होगा, वो सबसे आता है। इवन फ्यूचर बर्थ के बारे में भी इसमें पता चलता है नाइन्थ हाउस के अंदर, कि फ्यूचर बर्थ हमारी क्या रहेगी, ये भी पता लगा सकते हैं। टेंथ भाव में हमारा आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब जो हम क्या काम करेंगे, हमारी क्या जीविका रहेगी, हम व्यवसाय करेंगे या हम जॉब करेंगे, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। प्लस फादर के बारे में भी टेंथ भाव बताता है, और जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, ऑफिशियल अचीवमेंट्स हैं हमारी लाइफ के अंदर, वो सब कर्म के द्वारा होती हैं, तो वो भी टेंथ भाव में आती है। ग्यारहवां भाव हमारा होता है हमारे लाभ का, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का, कि हमारे जो लाभ है, जो हम जीविका कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर्म कर रहे हैं, तो कर्म से वो लाभ तो होना ही है, तो ग्यारहवां भाव लाभ हो गया। तो लाभ हमारा क्या होगा, कि हमारे जो बड़े भाई बहन कैसे हैं, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन कैसे रहेंगे, ये हमारे ग्यारह भाव से होता है। बारहवां भाव होता है व्यय, एक्सपेंडिचर। जब हम कमाएंगे पैसा, हम यहाँ पैसा कमाएंगे, लाभ कमाएंगे, तो खर्च भी करेंगे, तो हमारा खर्चा कैसा होगा, हमारे खर्चे कम होंगे या हमारे खर्चे ज्यादा होंगे, ये सारी चीजें उसके बारे में बताता है, कि हॉस्पिटल के एक्सपेंडिचर्स कैसे रहेंगे, या लीगल में हम लोग जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, वो सारी चीजें हमारी बारहवें भाव से मालूम चलती हैं। इवन जो मोक्ष है, कि आने वाले जन्म के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, तो वो भी एक्सपेंडिचर के भाव से, बारहवें भाव से मालूम चलता है। ये हमारी डेली लाइफ, हमारी जो दाम्पत्य जीवन है वो कैसा रहेगा, वो भी बारह भाव से ही मालूम चलता है। तो इस तरीके से टोटल मिला के ये बारह भाव हमारे कुंडली हो जाते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट चीज बताते हैं। तो अब देखने में तो ये लगता है जैसे कि ये चार चार प्रॉपर्टी ही बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं छठे का, हमने कहा रोग, ऋण, शत्रु, लीगल मैटर्स, नौकरी और कंपटीशन के बारे में बता रहे हैं। तो इसके बारे में क्या, इसके अलावा कुछ और नहीं बता रहे हैं, इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं मित्रों जो बताते हैं। तो उसको निकालने का तरीका होता है, क्या तरीका होता है, कि आप ये देखिए, ये जो भाव है छठा वो क्या है, ये सेकंड भाव से पांचवा भाव है। सेकंड भाव कौन सा आपका हुआ, ये वाला, दिस इज योर सेकंड हाउस, इससे पांचवा है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो सेकंड से पांचवा हुआ, सेकंड किस चीज का है, वेल्थ का है, सेकंड इज योर वेल्थ और फैमिली का है। इससे पांचवा हुआ, यानी इससे हुआ फिफ्थ। पांचवा किस चीज का है, पांचवा चिल्ड्रंस का है, एजुकेशन का है, एजुकेशन है, पास्ट बर्थ है, या चिल्ड्रन है। तो इसका मतलब यह है कि वेल्थ और फैमिली, यानी फैमिली की एजुकेशन को भी यही भाव शो करता है छठा, क्योंकि दिस इज फिफ्थ फ्रॉम सेकंड, फिफ्थ फ्रॉम सेकंड, ये भाव जो है ये फिफ्थ फ्रॉम सेकंड है। रिलेशन क्या है, सेकंड भाव से फिफ्थ है, सेकंड भाव किसका है, फैमिली का है, फिफ्थ भाव किसका है, एजुकेशन का है। तो ये फैमिली एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, ये वाला भाव। तो इस तरीके से आप जैसे यही भाव हम अगर लेते हैं, तो सेवंथ फ्रॉम ट्वेल्थ है ये भाव, ये ट्वेल्थ भाव हमारा जो बना हुआ है, इससे सेवंथ, सिक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब सेवंथ किस चीज का है, सेवंथ देखिए, तो सेवंथ है पत्नी का या पति का, दोनों केस में। तो सेवंथ भाव है पत्नी का, तो सेवंथ फ्रॉम ट्वेल्थ है, ट्वेल्थ किसका है, एक्सपेंडिचर का,
यानी पत्नी का व्यय। तो पत्नी जो एक्सपेंडिचर करती है वो भी इसी भाव में आपके देखे जाते हैं। इसी तरीके से आगे चलते हैं, एट्थ फ्रॉम अलेवेंथ, ये एट्थ है यानी कि अलेवेंथ भाव हमारा ये है, इससे एट्थ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एट्थ फ्रॉम अलेवेंथ होने की वजह से एट्थ भाव किस चीज का है हमारा, एट्थ भाव है हमारे एल्डर सिबलिंग्स का, बड़े भाई बहन का, एट्थ भाव है हमारा गेन का, और सिक्स भाव हमारा किस चीज का है, रोग ऋण का। इसका मतलब उस इस भाव से हम बड़े भाई और बड़ी बहन के रोग ऋण भी डेप्थ में दे सकते हैं, उनकी उनकी बीमारियां भी दे सकते हैं, उनके लीगल मैटर्स को भी देखा जा सकता है। तो देखिए कि एक ही भाव कितने चीजों को दिखाता जा रहा है, क्योंकि ये एट फ्रॉम इलेवंथ है और इलेवंथ बड़े भाई बहन का भाव है, तो ये यहां रोग का भाव है, तो एट फ्रॉम इलेवंथ होने से ये इसके अंदर उसकी बारे में लिखा जाता है। और दूसरी बात यह, चूंकि एट भाव हमारा एज का हो गया, डेथ का हो गया, तो हम इससे ये मालूम भी कर सकते हैं कि हमारे बड़े भाई बहन की एज क्या है। तो इस भाव से ये मालूम चला कि बड़े भाई बहन की एज क्या है, या उनको कैसे कष्ट आने वाले जीवन में हो सकते हैं, वो भी हमें इसी भाव से मालूम चला, चूंकि ये एट फ्रॉम इलेवंथ है। यही भाव नाइन्थ फ्रॉम टेंथ है, अगर आप देखें नाइन्थ है टेंथ से, कहां से, यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नाइन्थ फ्रॉम टेंथ है। टेंथ क्या है, टेंथ है फादर का, टेंथ है आपके कर्म का, और नाइन्थ क्या है, टेंथ फ्रॉम नाइन्थ फ्रॉम टेंथ है, नाइन्थ है आपके भाग्य का, आपकी फॉरेन ट्रेवल का। तो ये आपके इवन आपके फादर के, आपके प्रोफेशनल ऑफिशियल जर्नीज के बारे में भी ये बात बता सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कर्म मिक्स हो गया, प्रोफेशन मिक्स हो गया, और फॉरेन ट्रेवल मिक्स हो गया नाइन्थ भाव से, तो ये आपके ऑफिशियल जर्नीज के बारे में भी यही भाव बताता है। तो इस तरीके से ही हम बाकी भावों के भी मीनिंग निकाल सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर बहुत सारे परमिशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बस ये ध्यान रखिए किस भाव का कैसे रिलेशन हम लोगों को लेना है। सिंपल रिलेशन से बीच की ये चीजें जो है, 5-5 6-6 चीजें अगर आप याद रखेंगे तो रिलेशन के थ्रू आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, और जिसका जैसा प्रश्न हो उसको वैसे ही जवाब दे सकते हैं। आशा है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो कृपया जरूर से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।